लिनोवो की तरफ से लिनोवो लॉक। लिनोवो की तरफ से 75,000 की प्राइस पे ये एक वियर्ड कॉम्बिनेशन के साथ आता है, जिसमें सीपीयू तो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन जब बात करें जीपीयू की तो इसमें RTX 3050 मिलता है, जो कि इस प्राइस कैटेगरी को जस्टिफाई नहीं कर सकता है, क्योंकि इस सेम प्राइस में आपको RTX 4050 भी मिल जाता है। तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्या ये वियर्ड कॉम्बिनेशन के साथ आने वाला लैपटॉप आपको कंसीडर करना चाहिए, या फिर इस प्राइस रेंज में आपको कोई अदर लैपटॉप की तरफ जाना चाहिए। आज की वीडियो को हमने मेजर तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पहले ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आप सबका फेवरेट गेमिंग टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं, और वीडियो के लास्ट में बात करने वाले हैं इस प्राइस रेंज में कौन सा लैपटॉप बेस्ट स्पेसिफिकेशन के साथ आता है और ये लैपटॉप कहाँ स्टैंड करता है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो इसमें वही बेसिक लैपटॉप पावर कॉर्ड और 170 वॉट का पावर एडेप्टर देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें डिजाइन की तो लिनोवो ने तो लास्ट जनरेशन की कंपैरिजन में लॉक सीरीज में डिजाइन को इम्प्रूव किया हुआ है। इसका लुक प्रॉपर डेडिकेटेड गेमिंग लैपटॉप जैसा नहीं है, लेकिन आपको एक मिनिमल लेकिन बहुत ही अच्छा डिजाइन देखने को मिल जाता है। उसके अलावा पोर्ट्स एंड बटन की बात करें तो इसमें सभी बेसिक पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, और पोर्ट्स के मामले में तो ये लैपटॉप आपको निराश नहीं करेगा। उसके अलावा हिंज क्वालिटी की बात करें तो इसमें लीजेंड जैसी प्रीमियम हिंज क्वालिटी नहीं मिलती है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो प्रोसेसर में i5 13 जनरेशन की HX सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 10 कोर 16 थ्रेड्स पे बेस्ड है। RTX 3050 6GB वाला GPU देखने को मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम 95 वाट TGP के साथ आता है। 16GB LPDDR5 RAM देखने को मिलती है। RAM को मैक्सिमम 32GB तक अपग्रेड कर सकते हो। स्टोरेज के लिए 512GB की Gen 4 SSD दी हुई है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड भी नॉर्मल आती है। उसके अलावा अपग्रेड के मामले में 2 SSD के स्लॉट देखने को मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो वही नॉर्मल Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिलता है। 2.6 kg का वेट देखने को मिलता है, चार्जर को इंक्लूड करके 3 kg के अबो चला जाता है। आगे बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले तो इस लैपटॉप का थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें 15.6 इंच का फुल HD IPS 1080p 144 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले के स्पेसिफिकेशन को इसके प्राइस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया दी हुई है। 60 वॉट आवर की नॉर्मल बैटरी देखने को मिलती है, जिसमें नॉर्मल यूजेज में बैटरी सेवर और लो ब्राइटनेस मोड में 2 आवर का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। ये तो हो गए सारे स्पेसिफिकेशन की बातें, लेकिन परफॉर्मेंस के लिए कुछ बेंचमार्क रन किए हुए हैं, जिसमें सिनेबेंच R23, सिनेबेंच 2024, गीकबेंच, पीसी मार्क 10, क्रॉस मार्क और वीआर मार्क का स्कोर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सीपीयू और जीपीयू के ओवरऑल स्कोर की बात करें तो वो जो स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा निकल के आते हैं। अगर रियल लाइफ परफॉर्मेंस की बात करें तो जिसमें 1080p गेमिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। वीडियो एडिटिंग की बात करें तो अप टू 4K 30fps पे बहुत ही अच्छी वीडियो एडिटिंग करा लेगा। इसका सीपीयू बहुत ही पावरफुल है, लेकिन जीपीयू इतना अच्छा नहीं होने के कारण वीडियो एक्सपोर्ट में आपको कुछ ज्यादा टाइम देखने को मिल जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट हो, कोडिंग करनी है, 3D मॉडलिंग करनी है और नॉर्मल से हाई परफॉर्मेंस वाला काम करना है तो ये लैपटॉप बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं इस लैपटॉप के गेमिंग टेस्ट के बारे में। सभी गेम्स में हमने 1080p सेटिंग रखी है, तो 1080p में कैसे गेमिंग कराती है चलिए देख लेते हैं। CS2 में 100 से 110 FPS देखने को मिलते हैं, जिसमें GPU मैक्सिमम 85 वॉट जाता है, 80 से 82 डिग्री टेम्परेचर जाता है। उसके बाद GTA 5 में 80 से 85 FPS देखने को मिलता है, 70 से 75 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर टच करता है, GPU मैक्सिमम 60 वॉट तक जाता है। वैलोरेंट की बात करें तो 220 से 230 FPS देखने को मिलते हैं, GPU और CPU टेम्परेचर नॉर्मल देखने को मिलते हैं। उसके अलावा CPU और GPU यूजेज और उसके पावर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। Far Cry 6 में 60 से 70 FPS देखने को मिलते हैं, GPU मैक्सिमम 80 वॉट तक जाता है और टेम्परेचर और सभी यूजेज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो चलो दोस्तों अब बात करते हैं इस लैपटॉप के फाइनल कंक्लूजन के बारे में। ये लैपटॉप कंफ्यूजिंग स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, जिसमें सीपीयू और जीपीयू का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन प्राइस के हिसाब से सीपीयू की बात करें तो वो अच्छा निकल के आता है। सीपीयू इंटेंसिव काम तो ये लैपटॉप बहुत ही अच्छा करा देता है। उसके अलावा 16GB रैम के कारण मल्टीटास्किंग में भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। ओवरऑल ये लैपटॉप डिजाइन, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस के मामले में सीपीयू बहुत ही अच्छा देता है। इस प्राइस रेंज में 4050 जीपीयू भी देखने को मिल जाता है। इसी लिनोवो की लॉक सीरीज में आपको अदर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये लैपटॉप स्पेसिफिकली सीपीयू बहुत ही अच्छा देता है। तो अगर आपको फ्यूचर में जीपीयू का इतना अच्छा काम नहीं है और सीपीयू इंटेंसिव काम करना है तो ये लैपटॉप बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। इसके अलावा अच्छी ब्राइटनेस और अच्छी क्वालिटी देता है। डिजाइन के मामले में भी लास्ट जनरेशन के कंपैरिजन में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। 70 से 75,000
थाउजेंड के प्राइस बजट है तो आपके लिए ये लैपटॉप अच्छा निकल के आता है। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से लिनोवो लॉक का छोटा सा रिव्यू। आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।